नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की जंग जारी है और आज एक बार फिर से ये मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में सुना जा रहा है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है और दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है। इसी मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और ऐसे में किसानों को इजाजत मिलती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हजारों किसानों को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक सरकार और किसानों में 9 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। कई मसलों पर सहमति बनी है, लेकिन अब किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इस पर देश की निगाहें हैं। याचिकाओं से इतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी पहली बैठक की तैयारी को फिक्स कर दिया है। 19 जनवरी को कमेटी पहली बार बैठक करेगी। इस कमेटी में अब अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल घनवंत शामिल है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है और दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि दिल्ली में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली रिंग रोड पर निकाली जाएगी, ऐसे में किसी को परेशानी नहीं होगी। साथ ही रैली को राजपथ की परेड के बाद ही निकाला जाएगा। किसान अपनी ट्रैक्टर रैली में करीब 50 किलोमीटर का सफर करेंगे। अब दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस ट्रैक्टर रैली को रद्द करने की अपील की है। शनिवार 16 जनवरी से देश में लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो चुका है। यही नहीं, भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी बना लिया है। देश में 2 दिनों के भीतर ही कुल 2,24,301 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इस मामले में पिछड़ गए हैं। वायरस की वजह से मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों में आज फिर से घंटी बजी है। दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। और बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली और राजस्थान सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। उत्तर भारत में मौसम की सख्ती बरकरार है। शीतलहर और कोहरे के साथ पाला पड़ रहा है। ये हाल मैदानी इलाकों का भी है, जहां पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाएं कहर ढा रही हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम के यही तेवर दिख रहे हैं। दिल्ली से कल दूसरी बार जबरदस्त कोहरा देखा गया। आज भी कोहरे का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मी की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात 48 वर्षीय महिपाल की मौत हो गई। 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मृतक को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया था। रविवार शाम घर पर महिपाल की तबीयत बिगड़ गई थी और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। हालांकि अब रिपोर्ट आने पर सीएमओ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वार्ड बॉय की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दावा किया है कि येदुरप्पा को सीएम पद से हटाया जा रहा है। सिद्धारमैया ने दावा किया है कि आरएसएस येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहती है और उन्हें इस साल अप्रैल तक उन्हें सीएम पद से हटाया जाएगा। अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी छोड़ने पर और जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह पर हमले की भी साजिश जताई जा रही है। इसी बीच रविवार की शाम अमेरिका के फिनिक्स शहर में गोली चलने की घटना भी सामने आई है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।